गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपका हिंदी रीडर का है लेसन फाइव। लेसन फाइव में क्या है? ये लेसन फाइव कविता के रूप में आपको दिखाया गया है। तो कविता का नाम क्या है? तारे निकले। और इस कविता के लेखक कौन हैं? इस कविता के लेखक देखिए, घेर चांद को चांदी जैसे तारे निकले हैं, आज इकट्ठे ही सारे के सारे निकले हैं, नीला नीला आसमान का महल बनाया है। तो क्या मतलब है इसका? ये कह रहे हैं देखो, घेर चांद को चांदी जैसे तारे निकले हैं, यानी कि चांद को घेर रखा है और ये जो तारे हैं चारों तरफ निकले हुए हैं चांद के इर्द गिर्द। और आज इकट्ठा ही सारे के सारे निकले, ये सारे एक साथ निकले हैं, नीला नीला आसमान का महल बनाया। और क्या बनाया इन्होंने? आसमान का महल बनाया है। अब आगे देखते हैं, हर तारा है कमरा उसको खूब सजाया है, खुली खुली सी खिड़की है गलियारे निकले हैं, घेर चांद को चांदी जैसे तारे निकले हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि हर तारा है कमरा जैसा, जो हर तारा है वो कमरे की तरह है, उसको खूब सजाया है। कमरा तारे की तरह कमरा है और उस कमरे को हमने खूब सजा रखा है, खुली खुली सी खिड़कियां हैं, यहाँ पे खिड़कियां हैं दिखाई दे रही हैं, और गलियारे यानी कि वो गलियां निकलने के लिए हैं। घेर चांद को चांदी जैसे, यानी कि चांद को तारों ने चांदी की तरह घेर रखा है। और ये अब आगे देखेंगे हम इसको, जैसे परियां आ जाती हैं कथा कहानी में, झांक रहे तारे वैसे ही नीचे पानी में। अब देखते हैं कि जैसे परियां आ जाती हैं, नानी दादी कहानी सुनाती हैं तो उन कहानियों में हमेशा परियों की कोई ना कोई कहानी होती है, कथा कहानियाँ होती हैं। जैसे झांक रहे कथा कहानी में, झांक रहे हैं तारे वैसे ही नीचे पानी में, कि जैसे किसी भी कोई भी कहानी होती है, ज़्यादातर जो दादी नानी कहानी सुनाती है उसमें परियां आ जाती हैं, ठीक है। और ये झांक रहे हैं तारे वैसे ही पानी में, पानी के अंदर ये तारे झांक रहे हैं। अब आगे देखते हैं, कमल खिले हैं या जल से गुब्बारे निकले हैं, घेर चांद को चांदी जैसे तारे निकले हैं, नीचे से ऊपर तक सारा। क्या बता रहे हैं इसमें? कमल खिले हैं या जल से गुब्बारे, जैसे ही तारे निकले गया है इनको कभी गुब्बारे जैसा, घेर चांद को चांदी जैसे, यानी कि चांद को चांदी की तरह घेर रखा है, नीचे से ऊपर तक, यानी कि सारे ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी हैं तारे उनको घेर रखा है। अब देखेंगे आगे, चांदी सोना, यानी कि चांदी सोने की तरह दिख रहे हैं। अभी देखिए, धुला धुला सा उनसे ही सब कोना कोना है, कहीं कहीं कुछ बादल भी कजरारे निकले हैं, घेर चांद को चांदी जैसे तारे निकले हैं। अर्थात ये धुला धुला सा यानी साफ साफ सा कोना कोना दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये जो तारे हैं चांद, जो तारे आसमान में चमक रहे हैं, जो चांद की चांदनी है, वो ऐसा लग रहा है हमें कि जैसे धुला धुला सा आसमान है, कहीं कहीं कुछ बादल भी कजरा रहे हैं, कहीं कहीं पर बादल काले काले हैं, घेर चांद को चांदी जैसे तारे हैं, यानी कि चांद को तारों ने घेर रखा है और चांदी जैसे ये तारे हैं। ये अभी आपने कविता सुनी, तो इस कविता के कवि कौन है, किसने लिखी है? उन कवि का नाम है दामोदर अग्रवाल। ओके, आपने समझा। अब हम आगे देखते हैं इसके शब्दार्थ इसमें दो दिए गए हैं। ये देखिए, शब्द कजरारे यानी काले, चांदी सोना यानी एक धातु का नाम है, ये वाला आपको कॉपी में काम करना है। अब हम चलो, ये वाला है ओरल वाले हैं, मौखिक क्वेश्चन है, सोचो और बताओ। हमने ये कविता पढ़ी ना, कौन एक साथ निकले हैं तो बताओ, तारे एक साथ निकले हैं, तारों ने अपना महल किसे बनाया है? तारों ने अपना महल आसमान को बनाया है। तारों ने किसे घेर रखा है? तारों ने चांद को घेर रखा। तो ये हमारे मौखिक क्वेश्चन थे, इसको हमें लिखना नहीं है, सिर्फ हमें ऐसे ही याद करना है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अभी देखेंगे कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। अभी हमने कविता पढ़ी थी तो उसी की सहायता से हमने कविता की पंक्तियाँ यहाँ पे पूरी कर दी हैं। देखिए, खुली खुली सी खिड़की है, खिड़की मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखिए। अब आगे देखिए, गलियारे निकले हैं, गलियारे भी मैंने फील कर दिए यहाँ पे, घेर चांद को चांदी जैसे तारे निकले हैं, कमल खिले हैं या जल से गुब्बारे निकले हैं, ये मैंने यहाँ पे फील कर दिया। आप इसकी सहायता से आप इसको काम कॉपी में करना है आपको अच्छे से। अब देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं का पे क्या है,
का वाले लाइन में है, पानी में कौन झांक रहे हैं। तो ये ऑप्शन दिए गए चार, बच्चे, बूढ़े, बंदर, तारे। तो कौन झांक रहे थे, अभी हमने कविता पढ़ी है, तारे झांक रहे, तो हमें यहाँ पे राइट का निशान लगाना है। देन आगे देखिए सेकंड लाइन में, कवि ने आसमान को क्या कहा है। अब फिर हम ऑप्शन देखते हैं इसके, थाली, बिछौना, महल, परी। तो कहा है इसको, महल कहा है। देन आगे देखिए थर्ड लाइन में, आसमान का रंग कैसा है, तो काला, हरा, नीला, पीला। तो आसमान का रंग कैसा है, नीला। तो यहाँ पर आप राइट का निशान लगाएंगे। लास्ट देखिए, पानी में तारे कैसे लग रहे हैं, गुब्बारे व कमल के समान, परियों के समान, बटन के समान, अंगारों के समान। अभी हमने कविता पढ़ी है तो इसके अकॉर्डिंग है गुब्बारे व कमल के समान, यहाँ पे राइट है, यहाँ पे आप राइट का निशान लगाएंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, लिख कर बताओ, ये आपके क्वेश्चन आंसर है। अब इसमें यहाँ पे खाली जगह थी तो मैंने इसके आंसर भी यहीं फिल कर दिए हैं। ये अच्छे से आप ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है, चांद के चारों ओर तारे कैसे लग रहे हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका हमने आंसर लिख रखा है, आंसर को ध्यान से देखेंगे, चांद के चारों ओर चांदी जैसे तारे लग रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, कवि ने तारों को क्या बताया है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। देखिए, कवि ने तारों को कमरा बताया है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या है, लास्ट क्वेश्चन में है, कवि को तारे और चांद के अतिरिक्त आसमान में और क्या क्या दिखाई दिया, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए यहाँ पर, कवि को तारे और चांद के अतिरिक्त आसमान में खिड़की, गलियारे, परियां, कमल और गुब्बारे दिखाई दिए। समझ में आया बच्चों, ये वाले क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करना है। आप परियां बच्चे शब्द लिखो, ठीक है। यहाँ पे देखो चांद है, चांद का पर्यायवाची क्या होगा, चंद्रमा, शशि, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, आप ध्यान से देखिए, याद करना है आपको इसको और कॉपी में भी लिखना है। आसमान का क्या हुआ, गगन, आकाश। देन आगे देखिए कमल, कमल का राजीव, सरोज। देखिए ये बीच में रह गया पानी, पानी का क्या है, जल, नीर। इसके बाद देखिए कमल का राजीव, सरोज। देन लास्ट देखिए बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, मेघ, घन। ये मैंने आपको लिखकर दिखा दिया है, आपको इसको याद भी करना है और इसको नीट एंड क्लीन साफ साफ कॉपी में अपनी लिखना है। अब देखते हैं, ये देखिए समाने ले वाले शब्दों को मिलाओ, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मिलाया हुआ, समान ले वाले शब्द को मिलाओ। देखिए चांद का मान, ये तारे का सारे, पानी, रानी, सजाया, भगाया। ये वाला खाली छोड़, ये कॉलम जो हमने खाली छोड़ रखा है इसको आप खुद करेंगे।